रविवार की सुबह आई एक खबर ने पूरे हावड़ा शहर में हड़कंप मचा दिया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए जब हावड़ा सिटी पुलिस और कोलकाता पुलिस के जॉइंट वेंचर से हावड़ा के एक आवासन के करीब खड़ी एक कार से करोड़ों रुपए का नगद बरामद हुआ और साथ ही उसके रखी अनगिनत रुपए के सोने और हीरे के जवाहरात ज्वेलरी भी मौजूद थे। इस खबर ने पूरे हावड़ा शहर में सनसनी फैला दी। आई सूत्रों के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों हेयर स्ट्रीट थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिसके वजह से आज उस व्यक्ति के घर पर हेयर स्ट्रीट पुलिस हावड़ा सिटी पुलिस के मदद से खोजबीन करने आई, मगर उसके घर पर कोई नहीं मिला। उस व्यक्ति की खड़ी कार जो कि सुजुकी कार थी, जिसका नंबर WB12C5571 है, उस कार से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की नगद रकम और लाखों रुपए के हीरे और सोने के जवाहरात बरामद हुए। पुलिस सूत्रों के हवाले से जिस व्यक्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था, उस व्यक्ति का नाम शैलेश पांडे है, जो हावड़ा का निवासी था। ये मामला हावड़ा सीपुर के इलाके में हुई और इस मामले में हावड़ा सीपुर पुलिस और साथ ही हेयर स्ट्रीट पुलिस दोनों ने मिलकर इस मामले को देखा। अभी इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी मामला पुलिस के पास है और मामला की अभी खोजबीन चल रही है। आज सुबह हावड़ा सिटी में आई एक खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दिया। हावड़ा शहर में पूरा हलचल मच गया जब एक आवासन के बाहर खड़ी एक कार से करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी और लाखों रुपए के हीरे और सोने के गहने बरामद हुए थे। इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। अभी ये मामला सीपुर थाना और हेयर स्ट्रीट थाना दोनों के जॉइंट वेंचर से तय हुआ। बताया जाता है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि पिछले कई दिनों पहले हेयर स्ट्रीट थाने में शैलेश पांडे नाम के व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उसी की खोजबीन उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हेयर स्ट्रीट थाना हावड़ा सीपुर के इलाके में आई, जहां पे उसके घर से कोई तो नहीं मिला, मगर उस व्यक्ति का कार जो ही आवासन के बाहर खड़ा था, उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें करोड़ों रुपए यानी 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम और लाखों रुपए के गहने, जिसमें हीरे और सोने के गहने मौजूद हैं, ये पुलिस के हाथ लगी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 9 कोलकाता के माध्यम से और हमारे चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।